हेलो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे, अपनी स्टडी को मज़े में कर रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, अभी मॉर्निंग के 5 बज रहे हैं और आज फ्रेंड्स फर्स्ट डे ऐसा है कि मैं यानी कि सुबह 5 बजे से ब्लॉग स्टार्ट की हूँ, बट स्टडी ब्लॉग नहीं, अपना ट्रैवलिंग ब्लॉग। यानी कि आज हम कहीं जा रहे हैं, तो मैं कहाँ जा रही हूँ फ्रेंड्स, आप लोग वीडियो में बने रहिएगा, फिर आपको पता चलेगा आज हम कहाँ जा रहे हैं। तो फ्रेंड्स, अभी हम ऑटो में बैठ गए हैं और अभी हम जा रहे हैं स्टेशन, फ़िलहाल अपने सिटी के यानी कि फिरोजाबाद के स्टेशन। तो वहाँ पर जाके अपने ट्रेन का इंतज़ार करते हैं। हमारी ट्रेन को आने में अभी लगभग 1 घंटा है। तो फ्रेंड्स, हम लोगों ने घर से रिजर्वेशन करवा रखा था, इस वजह से हमें ज़्यादा वहाँ पर दिक्कत नहीं हुई, लाइन वगैरह में नहीं लगना पड़ा टिकट वगैरह के लिए। हम नॉर्मली डायरेक्टली हम अपने प्लेटफॉर्म पर जा रहे हैं। यहाँ पर मैं हूँ, मेरा भाई है और मेरी मम्मी है साथ में, और हमें रास्ते में मेरी मौसी की पूरी फैमिली हमें मिलने वाली है। तो चलो फ्रेंड्स, मिलते हैं थोड़ी देर में। और फ्रेंड्स, एक बात और आप लोगों से कहनी थी कि आप लोगों ने अगर वीडियो को लाइक नहीं किया है तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और आपको आगे सब बहुत ही अच्छे बहुत ही प्यारे प्यारे ब्लॉग मिलने वाले हैं। तो आप लोग यूँ ही आपको डेली ब्लॉग मिलते रहे, जिसके लिए आप जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और फ्रेंड्स, आप लोगों की स्टडी कैसी चल रही है? क्या आप लोगों की स्टडी भी मेरी तरह से थोड़ी सी डिस्टर्ब हो रही है, क्योंकि अभी बहुत ज़्यादा शादी का सारगा चल रहा है, शादी वाला माहौल चल रहा है। तो उसी बीच में शादियां भी आ रही हैं, जिसको अटेंड करना भी कभी कभी बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। कुछ बहुत ही ज़्यादा क्लोज़ वाली शादियाँ आ जाती हैं, तो जिसमें कि मेरे तरह से काफ़ी सारे ऐसे लोग होंगे जिसकी बहन की या भाई की शादियाँ होंगी, जिसकी फैमिली में ही शादी होगी, जिसकी वजह से थोड़ी सी स्टडी को डिस्टर्ब हो रहा होगा। लेकिन यही चीज़ हमारे लिए बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग होती है कि हम शादी के साथ साथ हम अपनी स्टडी को किस तरीके से मैनेज करते हैं, जिससे कि शादी भी हम अच्छे से इंजॉय कर लें और साथ ही साथ में हमारी स्टडी बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं हो। यही मेन चैलेंजिंग पार्ट होता है हमारी लाइफ का। तो फ्रेंड्स, मैं आप लोगों को अब पूरी अपनी जर्नी बताने वाली हूँ कि मैंने किस तरीके से अपनी शादी को इंजॉय किया और साथ ही साथ में अपनी पूरी स्टडी को भी मैंने अपना कंटिन्यू रखा हूँ। क्योंकि आप लोगों को पता है कि बिहार शिक्षक भर्ती जो है, बिहार जूनियर एडिट जो एग्ज़ाम है, वो दिसंबर में है, उस जिसके लिए बिल्कुल भी टाइम नहीं बचे हैं, ओनली लास्ट 10 डेज़ बचे हुए हैं, जिसके लिए मुझे बहुत ज़्यादा अपनी स्टडी भी करनी है और साथ ही साथ में जो शादी है उसे भी इंजॉय करना है, जिसे उसे भी अटेंड करना है। तो फ्रेंड्स, यहाँ हमारी ट्रेन आ चुकी है और हम अपना कोच ढूंढेंगे यहाँ पर कि सॉरी, ये हमारी ट्रेन नहीं थी, हमारी ट्रेन से पहले वाली ट्रेन थी, मुझे याद आ गया। यहाँ पर उसके बाद हमारी ट्रेन आएगी, तो ये चली गई है, इसी के जस्ट थोड़ी देर बाद हमारी ट्रेन आ जाएगी, समथिंग 10 मिनट बाद। तो 10 मिनट हमें और इंतज़ार करना था यहाँ पर, तो इस ट्रेन को तब तक करते हैं बाय बाय एंड टाटा। हाँ फ्रेंड्स, तो मैं बात कर रही थी, और फ्रेंड्स एक बात बताना कि आप लोगों की स्टडी कहाँ तक हो गई है और कितनी कैसी चल रही है, आप लोग लास्ट टाइम पर किस चीज़ से ज़्यादा पढ़ रहे हैं, आप लोग मतलब क्लासेस ज़्यादा ले रहे हैं या फिर प्रैक्टिस सेट ज़्यादा कर रहे हैं। वैसे मेरे अकॉर्डिंग आप लोगों को प्रैक्टिस सेट ज़्यादा करना चाहिए लास्ट मोमेंट पे, क्योंकि हम लोग थ्योरी स्टार्टिंग से ही पढ़ते आ रहे हैं, तो थ्योरी बेस ज़्यादातर लोगों का क्लियर होगा। अब हमारा जो मेन चीज़ है वो है हमारा प्रैक्टिस सेट, हम एग्ज़ाम में कितना अटेंड कर पा रहे हैं और कितने सही कर पा रहे हैं। तो इस चीज़ को हमें मोस्टली ध्यान में रखना है सबसे ज़्यादा, कि हम क्वेश्चनों को हम गलत ना करें, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चनों को हम सही करें। उससे क्या होता है, एक तो हमारा कॉन्फिडेंस हाई होता है, साथ ही साथ में हमारा जो एग्ज़ाम होता है उसे हम मैनेज करना सीखते हैं, और साथ ही साथ में जो एग्ज़ाम प्रेशर होता है वो उसे हम अपना कंट्रोल करना या मैनेज करना सीख जाते हैं। तो हमें रेगुलरली प्रैक्टिस ज़रूर करनी है। यहाँ पर भी मैं जो शादी अटेंड करने आई हूँ, यहाँ पर मेरे 4 दिन जाने वाले हैं, तो 4 दिन में थ्योरी तो नहीं पढ़ पाऊँगी, इतना मैं भी जानती हूँ और आप लोग भी जानते हैं कि शादी में थ्योरी नहीं पढ़ सकते हैं। तो इस टाइम पर मैं क्या करूँगी कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करूँगी कि मैं प्रैक्टिस सेट को अटेंड कर सकूँ। तो यहाँ मैं प्रैक्टिस सेट करूँगी, और अब तो इतनी अच्छी सुविधाएं हो गई हैं कि हमारे हाथ में फ़ोन होता है और फ़ोन से हम अच्छे कहीं पर भी बैठे हम अपनी स्टडी को कंटिन्यू रख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, उसके बाद हमारी ट्रेन आ चुकी थी, हम अपना कोच ढूंढा और अपनी सीट नंबर ढूंढा जिसमें कि हम बैठ गए। और साथ में मैंने जैसे कि आप लोगों को पहले बताया था कि मुझे मेरी मौसी की फैमिली मिलने वाली है, तो मौसी की पूरी फैमिली मिल चुकी थी, फिर हम लोगों ने सीट एक दूसरे से एक्सचेंज कर लिया और आपस में हम लोग बैठ गए। मम्मी मौसी मेरा भाई एक तरफ हो गए थे, मैं भाभी और भैया हम लोग एक तरफ हो गए थे,
और फ्रेंड्स हम लोग लगभग ये आ चुके हैं अभी कानपुर। हमने काफ़ी लंबा रूट अभी कवर कर लिया है जिसमें बीच में हम कुछ कुछ रील्स बनाते आए थे। तो फ्रेंड्स अगर आप लोग भी मेरी रील्स देखना पसंद करते हैं तो जल्दी से मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर लीजिए और मेरी इंस्टा आईडी आप लोग के मेरे चैनल के अवार्ड में मिल जाएगी। लेकिन फिर भी मैं एक बार आप लोगों को बता देती हूँ, मेरी इंस्टा आईडी है सुचित्रा संजय ब्लॉग। अगर आप सुचित्रा संजय ब्लॉग डालेंगे तो आपको मिल जाएगी। और ये है कानपुर की गंगा नदी जो कि आगे की मैंने नहीं शूट कर पाई थी, इसमें पानी था क्योंकि मालगाड़ी उससे आगे खड़ी हुई थी तो वहाँ मैं खिड़की पे नहीं आ पा रहा था। लेकिन जैसे ही मालगाड़ी ख़त्म हुई तब तक गंगा नदी भी ख़त्म हो गई, यानी कि बचा हुआ था लेकिन जो आगे का एरिया होता है वो बचा हुआ था जिसमें कि पानी नहीं था। और देखते ही देखते हम आ चुके हैं अपने मेन स्थान पर, जगह पर, यानी कि लखनऊ। तो फ्रेंड्स यहाँ पर अभी हम उतरेंगे और यहाँ पर इसका स्टॉपेज है तो इस वजह से आराम से सारी सवारी उतर जाएंगे, उसके बाद हम आराम से शांति से तसल्ली से उतरेंगे ताकि हम आराम से अपने बैग्स वगैरह को निकाल सकें। तो फ्रेंड्स अभी मेरी भाभी वीडियो शूट कर रही हैं, इसी वजह से मेरा बहुत ज़्यादा वीडियो शूट नहीं हो पाता है क्योंकि थोड़ा सा वो हो जाता है कि कौन वीडियो शूट करेगा। मैं खुद वीडियो शूट करती हूँ तो उसमें वीडियो में मैं नहीं आ पाती हूँ, तो इस वजह से थोड़ा सा मैंने भाभी को कैमरा पकड़ा दिया था। मैंने भाभी थोड़ी थोड़ी सी वीडियो शूट कर लेना, लेकिन आप अपने आप को संभालना, आप कहीं वीडियो के चक्कर में गिर मत जाना बस। तो यहाँ पर फ्रेंड्स हम लोग स्टेशन पर उतरेंगे और स्टेशन बहुत बड़ा है लखनऊ का, आप लोगों को पता है, तो उसे हमें क्रॉस करना होगा। हम स्टेशन से फिर बाहर आएंगे निकल करके, जिसमें कि अच्छा खासा हमारा टाइम निकल जाए। आप लोगों को पता है ना लखनऊ का स्टेशन कितना बड़ा है, और आप लोगों को बताऊंगी, बाहर से दिखाऊंगी कि लखनऊ का स्टेशन कैसा है। तो अभी हम निकल करके सभी लोग उतर आए हैं गाड़ी से और अभी हम सब लोग इकट्ठा हो रहे हैं कि सभी लोग हैं अपने बैग को काउंट करेंगे कि कोई बैग छूट तो नहीं गया है हमारा। और उसके बाद बहुत भारी भारी बैग हो गए थे जिसको हमने इस तरीके से पकड़ा, मैंने, प्रियांशु ने, और एक तरफ फिर हम भैया लोग पकड़ेंगे और सारे बैगों को हम ले जा कर के बाहर रख देंगे। फिर वहाँ से हम कैब करेंगे, हमने ओला किया लेकिन ओला कोई ऑनलाइन इशू की वजह से हो नहीं पाई। फिर हम लोगों ने ऑटो लिया और ऑटो कर करके हम पहुँच जाएंगे जहाँ हमें जाना है। अब मैं आप लोगों को बता ही देती हूँ, इतना सस्पेंस नहीं रखती हूँ। हम आए हैं अपनी बड़ी मौसी जी के घर पर लखनऊ, जहाँ पर मेरे भैया की शादी है, मौसी जी के बेटे की। तो शादी को अटेंड करने के लिए हम लोग आए हैं और आप लोगों को आगे शादी के ब्लॉग्स मिलने वाले हैं, बहुत ही अच्छे अच्छे, बहुत ही बढ़िया वाले। तो आप लोग बने रहिएगा वीडियो में, और अगर आप लोग शादी के ब्लॉग देखना पसंद करते हैं तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप लोगों को सभी आने वाले ब्लॉग का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो फ्रेंड्स अभी दोपहर का 1 बज चुका था और हम लोग निकले थे सुबह 5 बजे से घर पर, लेकिन 5 बजे हमारी ट्रेन नहीं थी, हमारी ट्रेन थी 7:30 बजे, क्योंकि हमें स्टेशन पे भी थोड़ा सा टाइम लग गया था और हमें थोड़ा सा ज़्यादा आगे ही निकलना चाहिए पहले ताकि हमारी गाड़ी ना छूटे और हम बहुत ज़्यादा हड़बड़ी में ना रहें, हम आराम से पहुँच जाएँ। अभी हम आ चुके हैं चारबाग स्टेशन और ये है हमारे लखनऊ का स्टेशन। अभी मैं आप लोगों को आगे से दिखाऊँगी कितना बड़ा है। वैसे सभी लोगों ने देखा होगा, ज़्यादातर लोगों ने, और ज़्यादातर लोगों को पता भी होगा कि लखनऊ का स्टेशन कितना बड़ा है और कितना अच्छा लगता है बाहर से देखने में ही। तो मैंने सोचा क्यों ना एक बार मैं आप लोगों को दिखा दूं कि ये है लखनऊ का स्टेशन जो कि है चारबाग स्टेशन जिसे बोलते हैं। तो फ्रेंड्स वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, एक बार फिर से आप लोगों को बता देती हूँ, क्योंकि आप लोग वीडियो को लाइक नहीं करते हैं, आप लोग भूल जाते हैं। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना और अगर चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मैं आप लोगों के साथ आगे 4 दिन के बाद फिर से वही स्टडी ब्लॉग शेयर करने वाली हूँ। तो फ्रेंड्स आप लोगों को पता ही है कि मैं मौसी जी के घर पर आ चुकी हूँ, तो वहीं से मैं ये वाला ब्लॉग शूट कर रही हूँ। और आप लोगों को पता ही है कि शादी वाला घर है तो वहाँ पर काफ़ी सारे लोग हैं जिसके वजह से मेरी आवाज़ भी थोड़ी स्लो आ सकती है और साथ ही साथ में बैकग्राउंड आवाज़ भी कुछ कुछ आ सकती है। तो आप लोग माइंड मत करना, बस ब्लॉग को ज़्यादा से ज़्यादा पसंद करना, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना, और अगर चैनल पर फर्स्ट टाइम आया तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। तो फ्रेंड्स हम लोग ऑटो में बैठ गए हैं घुस घुस के किच पिच होके, क्योंकि हम लोग बन नहीं पा रहे थे। तो वही मैं मम्मी से बात कर रही थी, मम्मी से कह थी मम्मी आप कैसे बैठी हो। और ये है काशीराम स्मारक, आप लोग जानते होंगे लखनऊ में जैसे इको गार्डन बोलते हैं, काशीराम स्मारक बोलते हैं, वो स्थान है ये। और इसी के आगे है हमारी मौसी जी का घर इको गार्डन के पास में ही। वैसे देखा जाए तो इको गार्डन हमारी मौसी जी की छत से दिखता ही है, सामने ही है, लेकिन ये पेड़ वगैरह बहुत बड़े बड़े हैं, इस वजह से अब थोड़ा सा ढक गया है, वरना वो छत से आराम से दिखता है, वहीं पास में ही घर है। तो हम लोग बस पहुँचने ही वाले हैं, हम जैसे ही पहुँचते हैं
वैसे ही बाहर हमें मौसा जी मिल जाएंगे और उसके बाद हम ऊपर जाएंगे तो हमें मौसी मिल जाएंगे और दीदी वगैरह मिल जाएंगी। तो मैं ब्लॉगिंग करना बिल्कुल भी भूल जाती हूँ क्योंकि अभी इतना हैंडली नहीं है मेरे लिए कि इस तरीके से ब्लॉगिंग करना। तो इस वजह से फिर उसके बाद मैं डायरेक्टली आप लोगों को थोड़ी देर बाद ही मिलूँगी। तो अभी हम लोग एंटर कर चुके हैं मौसी जी के घर पर। ये छोटी मौसी है, पीछे मम्मी है और ये मेरे बड़े मौसा जी हैं। तो आप लोग भी देख लीजिए, मिल लीजिए। और उसके बाद अब मैं मिल रही हूँ बिल्कुल थोड़ी देर बाद आराम से, जब मैं सब लोगों से मिल मिला करके बैठ गई थी रूम में तब मैं मिल रही हूँ। और उसके बाद हम लोग खाना वगैरह खाएंगे। खाना वगैरह खाने के बाद मैं जा रही हूँ ऊपर छत पर। मैंने सोचा क्यों ना थोड़ी सी रील बना ली जाए जब अभी टाइम है। तो फिर शाम को लगन टीके का फंक्शन होने वाला है, लगन टीके का जो बोलते हैं, तो जिसमें हम लोग बहुत ज़्यादा बिजी हो जाएंगे। तो मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों से थोड़ी सी बात कर लूँ और रील बना लूँ। लेकिन मैं बात कर रही थी आपसे और साथ ही साथ में मैं माइक पे उंगली रख दी थी जिसकी वजह से आवाज़ बिल्कुल भी अच्छी नहीं आई थी। तो इस वजह से मैंने फिर आवाज़ को म्यूट कर दिया है, मैं वॉइस ओवर दे रही हूँ। और फ्रेंड्स आज का ब्लॉग यहीं पर ख़त्म करती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि ब्लॉग आप लोगों को पसंद आया होगा।